भीषण गर्मी के बावजूद भी बाड़मेर के मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से यात्रियों की सेवा का बीड़ा उठाया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठंडे पानी के कैंपर लगाकर यात्रियों को पानी पिलाया जा रहा है। भीषण गर्मी में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के दौरान अगर हलकतर करने को ठंडा पानी नहीं मिले तो उससे होने वाली परेशानियों और दिक्कतों को समझा जा सकता है। लोगों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने जन भावना के लिए अनुकरणीय पहल की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर पानी के कैंपरों से यात्रियों को शीतल जल पिलाने का पुनीत कार्य शुरू किया है। इसी सप्ताह शुरू हुई इस नव पहल में बाड़मेर से चलने वाली ट्रेनों और मुनाबाव से जोधपुर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों को पानी पिलाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से रेलवे स्टेशन पर पानी के कैंपर रखने के साथ रेल के अंदर बैठे यात्रियों को भी पानी पिलाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर और बाड़मेर, विशेषतः बाड़मेर जैसलमेर जिले के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसने तापमान और टेम्परेचर में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसलिए यहाँ पानी की वैसे भी कमी रहती है, ठंडा पानी भी रेलवे स्टेशन पे इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता, और यहाँ दिन ब दिन लोगों का आना जाना जोधपुर के लिए, जयपुर के लिए, बाहर की ट्रेनों के लिए रहता है। तो पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण राष्ट्रीय बजरंग दल के हमारे विभाग के अध्यक्ष सुखदेव जी सोनी और सभी युवा साथियों के द्वारा ठंडे पेयजल की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पे, जो प्रतिदिन एक माह तक जितनी तक गर्मी रहती है तब तक वो डेली पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। भीषण गर्मी में जहां यात्रियों के लिए यह नवीन पहल खास बन पड़ी है, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल इस पुनीत कार्य को आगामी एक महीने तक जारी रखेगा। तेज गर्मी में पानी के अभाव में हैरान परेशान होने वाले रेल यात्रियों के लिए ठंडा पानी चेहरे पर नई मुस्कान का आधार बन रहा है।